काफी लोगों को हमारे पास लाया जाता है कि उनको भांग की या गांजा की लत है। और आपको पता है कि हमारे महाराष्ट्र में तो देहातों में बहुत लोग भांग या गांजा के एडिक्ट हैं। तो इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। वैसे कैनाबिस प्लांट है, कैनाबिस की मतलब एक पौधा रहता है, उसके पत्तों से या उसके जो स्केल्स निकलते हैं वहाँ से ये भांग या गांजा तैयार किया जाता है। मैरिजुआना, वीड, चरस, हशीश, ये सब ये कैनाबिस प्लांट से बनाए जाते हैं। और आपने नाम सुना होगा कि कैनाबिस का एडिक्शन है, वीड का एडिक्शन है, हशीश का है, चरस का है, भांग का है या गांजा का है, ये सब एक ही है, सिर्फ उसमें कंसंट्रेशन अलग अलग रहता है। सबसे कम कंसंट्रेशन जैसा भांग में जो हम होली के दिन या महाशिवरात्रि के दिन लेते हैं, उसकी भांग की लस्सी बनाते हैं या ठंडाई बनाते हैं और वो लेते हैं, उसमें मज़ा आता है। मतलब होली या महाशिवरात्रि बिना भांग की मज़ा ही नहीं है, ऐसा बोला जाता है। लोगों को अच्छा नशा चढ़ता है। तो इसमें होता क्या है, ये कैनाबिस प्लांट से बनता है, इसमें टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल नाम का पदार्थ रहता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन ठहराता है कि भाई आपको कितना चढ़ेगा, कितना घातक है। तो ये आप लेते हैं तो आपको बहुत उत्साह आता है, यूफोरिया टाइप, जैसा ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपकी एकाग्रता नहीं होती, आपको टाइम का एहसास नहीं होता, नशा चढ़ता है उसका। कुछ लोगों को नींद आती है, कुछ लोगों को बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, लोग एकदम रिलैक्स, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, ऐसा उनको लगता है, बहुत मज़ा आता है उनको, अच्छा लगता है, एक अच्छा फीलिंग, क्योंकि वो डोपामिन सिक्रीशन करता है। डोपामिन सिक्रीशन जो फील गुड हार्मोन है, उसका सिक्रीशन ज़्यादा होता है जब भांग लेते हैं या कैनाबिस लेते हैं तो, या गांजा लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लगता है लोगों को, और फिर उसमें मज़ा भी आता है। मगर इसके साइड इफेक्ट भी है, जैसे दिल की गति बढ़ जाती है तो आप सो जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। मगर कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता है, वो पड़े रहेंगे पी के। कुछ लोगों को उसका एडिक्शन हो जाता है, और एडिक्शन एक बार हो गया कि वो तो लगता ही लगता है, मतलब वो भांग जो है वो पीते हैं, गांजा जो है स्मोक करते हैं, और उनको बहुत मज़ा आता है। मगर जब एडिक्शन हो जाता है तो उसके बिना रहा नहीं जाता, वो तो हो ही, चाहिए ही चाहिए, होना ही होना है। और फिर बाद में ये करता है हेलुसिनेशंस, मतलब ऐसी आवाज़ आती है, कोई आ रहा है, कोई मार रहा है, कोई आंखों के सामने कुछ दिखाई देता है कि लोग आ रहे मार रहे, या लोगों को लगता है कि भाई अपने पीछे कोई लग रहा है, लोग आक्रामक हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है, मारपीट करेंगे। और जिनको भांग की लत है उनमें ज़्यादा मानसिक बीमारियाँ दिखाई देती है, मानसिक बीमारी का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी इसमें करना क्या है, ये जो लोग हैं ये खुद तो आते नहीं हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, उनको लाया जाता है क्योंकि बहुत वायलेंट हो जाते हैं। मेरे पास में जब लोग लाते हैं ना तो चेन डाल के पकड़ पकड़ के बांध बांध के लोगों को लाया जाता है, क्योंकि इतने वायलेंट हो जाते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। साथ साथ आठ आठ दस दस लोग पकड़ के लाते हैं उनको, तो उनको भांग का एडिक्शन भी और साइकोसिस भी है, ऐसा भी हो सकता है। फिर हम उनको दाखिल करते हैं, एडमिट करते हैं, एडमिट करके उनको सेडेशन देते हैं, दवाइयाँ देके उनको रिलैक्स करवाते हैं, नींद देते हैं, उनका खान पान बहुत अच्छा रहता नहीं है तो उनको सलाइन देते हैं, टॉनिक्स, विटामिन्स वो दिए जाते हैं, और उनको पहले नींद दी जाती है। एक बार उनको 24 घंटे 48 घंटे की नींद अच्छी हो गई और उसका असर उतर गया तो उनको फिर अच्छा लगने लगता है। अब इसमें ऐसा होता है कि लोग इतने वायलेंट हो जाते हैं और कुछ लोग इनको पकड़ पकड़ के लाते हैं तो उनको डर लगता है रिलेटिव्स को उनके साथ में रहने का, तो कुछ लोग हमारे हॉस्पिटल में रहते हैं उनके साथ में, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको रहना नहीं, अभी उसको एडमिट करो, हमको बहुत डर लग रहा है। तो हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल्स है, एक हॉस्पिटल है जहाँ रिलेटिव्स के साथ में हम पेशेंट को रखते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ रिलेटिव्स के अलावा पेशेंट को अकेले रखते हैं। तो फिर वो उसको हम महीना भर रखते हैं, उसको साइकोथेरेपी, काउंसिलिंग करते हैं, उसको भजन कीर्तन में समाया जाता है, और काफ़ी सारा उसका काउंसिलिंग होने के बाद में वो ड्रग फ्री हो जाता है, एडिक्शन फ्री हो जाता है। तो ये हमारा रिहैब सेंटर है जिसका नाम है आशा किरण क्लिनिक, और ये जो केवेकर हॉस्पिटल है इसमें हम रिलेटिव्स के साथ में लोगों को रखते हैं। ये एडिक्शन भांग का हो, गांजा का हो, मैरिजुआना, चरस जो भी है वो है तो सब एक ही, मगर जैसे चरस और हशीश
इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहता है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल का, तो उनको छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही माँ बाप को मालूम पड़ेगा या पति पत्नी पत्नी को मालूम पड़ता है कि नहीं भाई ये गांजा ले रहा है, कुछ तो भी कर रहा है ये, तो तुरंत डॉक्टर की तरफ लाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बाद में साबित हो सकता है। इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, और इसका इलाज करके लोग पूर्ववत अपना पूरा पूर्व आयुष्य अपनी ज़िंदगी फिर से जी सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, क्योंकि बहुत सारे लोग आज यह बीमारी से पीड़ित है, और इसमें माँ बाप ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं और पत्नियाँ जिनकी है वो पीड़ित हो जाती है। सो थैंक यू वेरी मच। आपका ख्याल रखिएगा, लोगों का ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।